हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिलान एकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने शुरू किए हुए हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। एक बात आपको मैं पहले बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ कि हम बात कर रहे हैं पार्ट ए और पार्ट बी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, और इसके बाद हम जो करेंगे वो है पार्ट सी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स हैं हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको ऑलरेडी पता है कि पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने वन मार्कर, टू मार्कर एंड थ्री मार्कर वाले क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम फोर मार्कर वाले जो क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। प्लीज एक बात ध्यान रखना, फोर मार्कर वाले हैं। ज़्यादा क्वेश्चन जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में से आते हैं वो फोर मार्कर वाले होते हैं, एंड इसलिए हो सकता है ये वीडियो थोड़ी बड़ी बने। तो इसलिए एंड तक इसको जरूर देखना, क्योंकि अगर आप एक भी न्यूमेरिकल को स्किप करते हो सकता है उसमें जो चीज़ सीखनी थी आपने, जो आपके बोर्ड में आ सकती थी, वो मिस हो जाए। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना। सो बात करते हैं बेटा अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। बेसिकली ये तो एक न्यूमेरिकल है, 2015 के अंदर ये न्यूमेरिकल आपको आया था। बहुत ही सिंपल है, बट एक बार करके देखेंगे तभी आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो शुरुआत करते हैं। अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1.2 ओम का हमें दिया है, कनेक्टेड विद एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब एमीटर की भी आपको यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो दी हुई है। टू रेजिस्टर्स ऑफ 4.5 ओम एंड 9 ओम आर शोन इन द डायग्राम बिलो। ऐसा सेम से टाइप का जो हमने न्यूमेरिकल है वो किया हुआ है। कहाँ किया हुआ है? आपकी जो बुक है ना, 8B की जो एक्सरसाइज है, आई थिंक उसका लास्ट न्यूमेरिकल है ये। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे वैसा सही आपको ये मिलेगा, लेकिन चलिए जल्दी से वो करते हैं। कहते हैं व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर। रीडिंग ऑफ द एमीटर, देखिए एमीटर की जो रीडिंग है वो हम करंट बेसिकली फाइंड करना चाहते हैं जो पूरे सर्किट में आपका फ्लो कर रहा है, एंड वो हमेशा दिया जाता है बेटा EMF डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो बहुत सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बट इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये हमें अच्छे से आना चाहिए। तो आर जो है वो बताता है कि नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है आपकी, और स्मॉल आर जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस को बताता है। सो देखिए बेटा कैसे करेंगे, करने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले हम यहाँ पर सो देखिए, मैं इसको R1 का नाम दे देता हूँ, और इसको मैं R2 का नाम दे देता हूँ, और ठीक है इसको मैं R3 का नाम दे देता हूँ। तो देखिए वैसे तो आप देख सकते हो कि R1 एंड R2 आर पैरेलल, ठीक है ये क्या है आपके, ये आपके पैरेलल है। सो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, सो दैट विल बी 1/4.5 प्लस 1/9। कईयों को बड़ी प्रॉब्लम होती है इसको सॉल्व करने में, तो मैं बता देता हूँ, डेसिमल्स को पहले हटाइए। जब डेसिमल को हटाएंगे तो इसका जो 10 है वो ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा, तो भाई करेगा 10/45 प्लस 1/9। इसके बाद अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो 45 आपको मिल जाएगा। मेरे देखो ऊपर आपके पास 10 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5, तो दैट विल बी आर हमारे पास जो है पैरेलल ARP है, R पैरेलल जो है वो आ जाएगा 45/15। सॉल्व करेंगे तो आंसर 3 ओम आपको मिल जाएगा, ठीक है 3 ओम आपको मिल जाएगा। नाउ RP एंड R3 आर इन सीरीज, ये दोनों पैरेलल थे, सॉल्व कर लिया। अब ये तो देखो आपका सीरीज में है ना, सो देयरफॉर RS विल बी इक्वल टू RP प्लस R3। RP अब यहाँ पे आपके पास है दैट इज 3 प्लस 0.8 आपका बन गया यहाँ पर दैट इज 3.8 ओम, ठीक है। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गई है। फॉर्मूला देखिए आपके पास ही है, जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि जो करंट है वो होता है EMF, तो ये जो 2 वोल्ट दिया है ये हमारा EMF है, तो वो आ गया 2 डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेट 3.8 हमारे पास आ चुका है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई थोड़ा करते हैं, प्लस करते हैं ना हम, इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है किससे प्लस करेंगे हम, इसको प्लस किया जाएगा
हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, जो कि यहाँ पर 1.2 हमें दिया हुआ है, ठीक है। सो 2 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास आ गया, और 0.4 एम्पियर हमारा वो करंट है, या फिर कह सकते हो ये पहले पार्ट का आंसर है 0.4 एम्पियर। फिर कहता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। इस स्टेटमेंट का मतलब होता है यू हैव टू फाइंड द टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा इसका सिंपल फॉर्मूला होता है I इंटू कैपिटल R। कैपिटल R होता है एक्सटर्नल, टोटल नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है। तो देखिए बेटा करंट जो है वो आपका 0.4 का है और नेट आपका 3.8 है, तो 3.8 फिर डिवाइड मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। वी हैव टू मल्टीप्लाई आर 3.8 शुड मल्टीप्लाई विद 0.4, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो चूँकि 32, 32 और 4th इज़ अ 12 और 315, ये हमारे पास आ गया, परफेक्ट। अब यहाँ पे दो डेसिमल है तो 1.52 वोल्ट, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है बेटा, इसका है जो आंसर है वो 1.52 वोल्ट हमारा आंसर है। तो बस इस तरीके से बेटा आपने ये वाला न्यूमेरिकल करना था। याद रखें जब हम टर्मिनल वोल्टेज निकालते हैं तब करंट इनटू आर एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि इन टोटल जो बाहर नेट रेजिस्टेंस है वो निकाल लो, और जब इंटरनल फाइंड करना होता है तब मतलब वोल्टेज ड्रॉप, तब आई इंटू इंटरनल से उसको फाइंड आउट किया जाता है। इसका एक और तरीका था ई माइनस आई आर, वो भी आप यूज कर सकते थे, बट ये ज़्यादा ईजी लगता है और जल्दी हो जाता है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मेरिकल कहता है कि टू रेजिस्टर ऑफ 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए सेल टू ड्रॉ 0.5 एम्पियर करंट फ्रॉम द सेल, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम शोइंग द अबव अरेंजमेंट। सो सबसे पहले बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस बनाएंगे, दूसरा रेजिस्टेंस इसके नीचे लगेगा लाइक दिस। ये आपका 6 ओम का ले लीजिए, इसको आप 4 ओम कंसिडर कर लीजिए, एंड उसके बाद हमने एक सेल को लगाना है लाइक दिस, ठीक है। पैरेलल में है, बिल्कुल पैरेलल में है, और 0.5 एम्पियर करंट जो है वो जाएगा, 0.5 एम्पियर का जो करंट है वो इसमें से जा रहा है। तो ये मेरे पहले पार्ट का आंसर है। कहता है द कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टर। तो इसको वैसे तो करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि मैं सेल का जो ईएमएफ है वो कैलकुलेट कर लूँ, और पैरेलल होने की वजह से जो ईएमएफ हमें यहाँ मिलेगा वही ईएमएफ इस रेजिस्टेंस की होगी, वही ईएमएफ इस रेजिस्टेंस की होगी, क्योंकि पैरेलल में हमारी जो वोल्टेज है वो हमेशा सेम होती है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, करंट को मैं डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ इन दोनों के अंदर। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे करते हैं तो आज हम इसी मेथड को अप्लाई करते हैं। सो देखिए बेटा टोटल करंट जो है वो आपका है 0.5 एम्पियर। जैसे इस जंक्शन पे पहुंचेगा, जंक्शन उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे वायर्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो मान लेते हैं I1 करंट आपका ऊपर गया और I2 करंट जो है वो आपका नीचे गया, तो इसका मतलब हुआ कि टोटल जो करंट है आपका वो बेसिकली क्या है, I1 प्लस I2 है आपका। पहले तो ये समझिए आप, अगर ऊपर मेरा I1 करंट जा रहा है तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V इक्वल टू I1 इंटू 6, और नीचे वाले का अगर पोटेंशियल निकालूंगा तो आ जाएगा V इज इक्वल टू I2 इंटू 4। और अभी बताया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होती है, ठीक है। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज स्लैश पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज अक्रॉस the two resistors will be same, therefore हमारे पास आ जाएगा बेटा I1 into 6 is equal to I2 into 4। अब I2 मुझे find करना है,
तो ये आ जाता है बेटा 1.5 ऑफ I1। डन, यही वैल्यू को उठाकर, ये मेरी क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर टू है, आपने क्या करना है कि इस वैल्यू को उठाकर इस वाले वन में पुट करना है। तो I की वैल्यू कितनी है, 0.5 इज इक्वल टू, ये I1 दिया हुआ ना आपको, I1 लिखो और I2 की जगह पे लिख दो 1.5 टाइम्स ऑफ I1। तो 0.5 इज इक्वल टू 2.5 ऑफ I1। सो I1 विल बी 0.5 डिवाइड बाय 2.5, सो दैट विल बी 5 डिवाइड बाय 25, दैट विल बी 1/5 एंड दैट विल बी 0.2 एम्पियर। सो I1 जो है ये हमारा 0.2 एम्पियर है। अब I1 पता लग चुका है ना, इसकी वैल्यू को दोबारा इस इक्वेशन में डालिए और आपको आपका I2 मिल जाएगा। कैसे, देखिए, अब तुम्हारा जो I है वो तो है 0.5, ठीक है, इज इक्वल टू जो I1 है वो मेरा 0.2 आ चुका है और I2 मुझे फाइंड करना है। सो I2 जो है दैट विल बी 0.5 माइनस 0.2 जो कि 0.3 एम्पियर आपको मिल जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करना था। तो करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगी 0.2 एंड करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस आपके पास आ जाती है 0.3 एम्पियर। तो इस मेथड से, और बहुत इजी मेथड है, ये दो इक्वेशंस बनानी है, एक तो ये और दूसरी ये, इसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है और आपको आपके न्यूमेरिकल का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं हमारे पास और 6 वोल्ट की बैटरी है। कहता है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो पहला पार्ट जो हमें बोला है वही करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अपने आंसर शीट में आप इसको ड्रॉ करेंगे, इसको R1 नाम देंगे, इसको R2 नाम देंगे और इसको R3 का नाम देंगे। तो शुरुआत कुछ ऐसा करेंगे कि सिंस R1 एंड R2 आर पैरेलल, देयर, हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहले सॉल्व करना होता है बेटा, हमने आर पैरेलल, सो देयर फॉर 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 मतलब 8 प्लस 1/R2 मतलब 12। आप चाहें तो इसका एलसीएम आप फाइंड आउट कर सकते हो। आई थिंक 24 रख लेता हूँ इसका एलसीएम, ठीक है, हाँ 24। तो ये 3 होता है और ये 2 है, तो आपके पास बेसिकली 5/24 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। RP जो मुझे फाइंड करना था दैट विल बी 24 डिवाइडेड बाय 5, तो 4.8 ओम आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक है, व्हेन यू सॉल्व इट 4.8 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो RP आपका 4.8 आया है ये सीरीज में है R3 के साथ, तो RP एंड R3 आर इन सीरीज, ठीक है, देयरफॉर आर सीरीज और आर इक्विवेलेंट, इसके अलावा और कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो इसको आर इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं। दैट विल बी RP प्लस R3। RP 4.8 है और R3 आपका 7.2 है आपका, तो आपके पास 7 और 4 11, 1 12, आपके पास यहाँ पे 12 जो है ओम रेजिस्टेंस आपको मिल जाती है। तो ये तो बेटा हो गया मेरे पहले पार्ट का आंसर, ठीक है, जस्ट मेरे पहले पार्ट का आंसर है। बात करते हैं अब सेकंड पार्ट की, ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो कहता है टोटल करंट बताओ क्या होगा। करंट तो पता ही है बेटा, वी इक्वल टू आई आर होता है, राइट, तो आई विल बी इक्वल टू वी डिवाइड बाय आर। एक काम करूं, मैं उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करता हूँ जिसके लिए, जिससे आप हमेशा यूज टू हो, मतलब ये कि आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब कैपिटल जो ई है वो तो 6 वोल्ट आपको दिया हुआ है, तो 6 लगा दिया। कैपिटल आर होता है नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो कि 12 है, वो लगा दिया क्योंकि इंटरनल इसमें कोई नहीं है, तो आप 0 पुट कर दोगे, तो 6/12 आ गया आपके पास, ठीक है, 0.5 एम्पियर आपका आंसर आ जाता है। इस तरीके से आप सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। डन, तो
0.5 एम्पियर आपका वो करंट है जो इस पूरे सर्किट से पास कर रहा है। वो कह रहा है मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 7.2 ओम रेजिस्टर बताओ, जो कि देखो कितना आसान है। देखिए, सो पीडी मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अक्रॉस द 7.2 ओम रेजिस्टर। और आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि वी इक्वल टू आई आर होता है। जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप वोल्टेज पता करना चाहते हो, आपको उस रेजिस्टेंस को लेना होता है और मल्टीप्लाई करना होता है उस करंट के साथ जो करंट उसमें से पास कर रहा है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर 0.5 है। तो 0.5 एम्पियर जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस आपने मल्टीप्लाई करना है। सो 5 × 10 81, 33 36, 36 या तो दो डॉट्स, तो यहाँ पे दैट इज 3.6 वोल्ट आपका आंसर आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 7.2 का। आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। कहता है कि तीन रेजिस्टर्स हैं आर कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी एज शोन इन द फिगर गिवन हेयर, दिख रहा है हमें यहाँ पे बिल्कुल। व्हाट इज द करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टर और व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 ओम एंड 12 ओम रेजिस्टर एंड व्हाट इज द करंट थ्रू द 6 ओम रेजिस्टर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस भी पता करके देनी है मेरे को, करंट भी पता करना है 6 ओम के, काफी कुछ है करने के लिए। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत किससे करेंगे? शुरुआत हम करेंगे करंट को फाइंड करने की। देखिए कई लोग कहते हैं ना कि अगर इसके अक्रॉस करंट फाइंड करना है ना, तो कई लोग पता क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि ये वोल्टेज ले लेते हैं, ये रेजिस्टेंस ले लेते हैं, करंट फाइंड कर देते हैं। भाई ऐसे थोड़ा होता है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि अगर आपने करंट को फाइंड करना है तो आपने एक ही फॉर्मूला लगाना है, ई डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो आप सिर्फ ई बाई कैपिटल आर लगाएंगे, और कैपिटल आर पहले फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। आप इस पिक्चर को दोबारा अपने आंसर की शीट में बनाएंगे, इसको आर वन नाम दे देना, इसको आप आर टू का नाम दे देना, इसको अपना आर थ्री का नाम दे देना अपना, ठीक है। अब सेंस आर वन एंड आर टू आर पैरेलल, ये हमारे क्या है, पैरेलल है ना, और क्योंकि ये पैरेलल है सो देयरफॉर 1/R पैरेलल आ जाएगा बेटा 1/R1 प्लस 1/R2। सो 1/12 प्लस 1/6, सो 1/R पैरेलल विल बी इक्वल टू, आप एलसीएम इसमें 12 का ले लेंगे तो 1 + 2 राइट, ये आ जाएगा 6 × 12 3/12 आ जाएगा। सो दैट मीन्स आर पैरेलल हमारे पास आ जाता है 4 ओम। अब ये वाला इस 8 के साथ क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो यहाँ लिखेंगे सेंस आर पी एंड आर थ्री आर इन सीरीज, देयरफॉर आर इक्विवेलेंट मतलब नेट रेजिस्टेंस जो है दैट विल बी आर पी प्लस आर थ्री। तो प्लस कर देते हैं बेटा, हमारे पास 8 है वहाँ पे 12, 8 + 4 बेसिकली क्या आ गया, 12 आ जाता है। तो 12 ओम तो देखो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस आ चुकी है। ओके सो फाइनली अब हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अपना आंसर निकालने वाले हैं। तो पहले पार्ट के अंदर आता है आई इज इक्वल टू 12 वोल्ट डिवाइड बाय 12 ओम, तो हमारा आंसर 1 एम्पियर आ जाएगा। अब ये जो 1 एम्पियर आपका है, ये आपका इसके क्रॉस फ्लो करेगा, प्लस जब वो यहाँ इस पॉइंट पे एंटर करेगा ना, तो 1 एम्पियर ऊपर चला जाए, ओ सॉरी ये 1 एम्पियर वाली बात नहीं है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि जब ये 1 एम्पियर अंदर एंटर करेगा तो जंक्शन में जैसे स्ट्राइक करेगा ऊपर कुछ और करंट जाएगा लेट इट बी I1 और नीचे कुछ और करंट जाएगा लेट इट बी I2। अभी I1 I2 फाइंड करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप चाहें तो उसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी देखो मर्जी आपकी है, मैं आपको कुछ नहीं बोलता उस चीज़ के लिए, ठीक है जी। सो अब सवाल ये आता है नेक्स्ट पार्ट का कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 ओम 12 ओम रेजिस्टर। देखिए एक बात आना, थोड़ा आप समझने की कोशिश करना मैं जो बताने वाला हूँ, और बात ये है सबसे पहले हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पता नहीं डबल सी क्यू डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, दैट इज अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टर। आप बोलेंगे सर 8 ओम तो बोला नहीं है, 6 ओम 12 ओम बोला होगा, लेकिन 2 मिनट के लिए आप समझ लो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। 8 ओम रेजिस्टर, ठीक है,
दैट विल बी आई इंटू आर, राइट, आई इंटू एट, आई कितनी वैल्यू कितनी है, कितनी जा रही है उसमें से, 1 एम्पियर इंटू 8 ओम, दैट विल गिव यू वॉट, दैट इज 8 वोल्ट, राइट। अब देखो बेटा, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ये जो आपका 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट आपका है इस एंड से लेके इस एंड के अक्रॉस का नेट वोल्टेज। 8 ओम जो है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुई है वो 8 वोल्ट की है, मतलब यहां से लेके यहां तक 8 वोल्टेज यहां पे खर्च हो गया। तो जो बाकी बचा होगा वो आपको इन दोनों के अक्रॉस मिलेगा, बिकॉज दोनों पैरेलल में है ना, पैरेलल में होने की वजह से दोनों की वोल्टेज तो सेम होगी आपकी। तो जो बाकी बच गया वोल्टेज जो है वो कहाँ मिलेगा, वो हमें इन दोनों के अक्रॉस मिलेगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम एंड 12 ओम विल बी इक्वल टू, टोटल 12 था ना, 12 में से 8 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 4 वोल्ट। सो दैट इज योर आंसर। तो मतलब ये हुआ कि ये जो आपका 6 ओम है इसके अक्रॉस भी 4 वोल्टेज है, और ये जो है आपका इसके क्रॉस भी 4 वोल्टेज है आपका, पैरेलल में सेम होती है। एंड लास्ट जो हमसे पूछा गया है, थर्ड पार्ट कहता है बताइए करंट कितना होगा 6 ओम के क्रॉस। तो 6 ओम के क्रॉस का रेजिस्टेंस पता है, उसकी वोल्टेज पता है, आई निकालना कितना का मुश्किल है। आई क्या होता है, वी बाय आर ही तो होता है, तो वी 4 है, नीचे 6 आ गया बेटा आपका, सो दैट विल बी 2/3, 6 ओम बोला ना इसे, हाँ दैट विल बी 2/3 एम्पियर। तो अगर आप इसको सोल्व करने पे आ जाओ तो 6 × 3 = 18, बेसिकली आपका हो जाएगा 0.67 एम्पियर के करीब लगभग। तो इस तरीके से आप इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ग्रेट। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। अब बात यह है कि ये जो न्यूमेरिकल है ये हम नहीं करेंगे, इसका रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि यहाँ पर 4 से ज़्यादा रेजिस्टेंस है, और सिर्फ इसी वजह से हम ये वाला जो न्यूमेरिकल है इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब रह गया बेटा ये वाला न्यूमेरिकल, अब इस न्यूमेरिकल की तरफ हम आते हैं। देखिए कहता है कि सेल ऑफ एम है 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम आपको दिया हुआ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका, आर कनेक्टेड टू 2 रेजिस्टर्स 4 ओम एंड 20 ओम इन सीरीज एज शोन इन द डायग्राम, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। बहुत ज़्यादा आसान है, जल्दी जल्दी से हम इसको खत्म करते हैं बेटा। सबसे पहले फिर वही बात, आप पिक्चर को ड्रॉ करेंगे, इसको आपने R1 नाम दे देना है, R1 दिया हुआ है तो इसका R2 नाम आ जाएगा, इसको हम R3 का नाम देंगे। शुरुआत क्या करेंगे कि दोनों ये सीरीज में है, राइट। देखिए सेंस R4 एंड R3 एंड R2 आर इन सीरीज, सो देयरफॉर REXT एक्सटर्नल जो है इन दोनों का सम होगा, दैट इज R3 + R2, सो दैट विल बी द सम ऑफ दिस, 24 ओम हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब कह रहा है करंट फाइंड करने को, तो करंट क्या होता है, E/R + r, E बेटा हमें 1.5 दिया हुआ है, R 24 मैं निकाल चुका हूँ, प्लस 1 ओम इंटरनल दिया हुआ है, सो दैट विल बी 1.5/25, ठीक है 25 आ जाएगा ना आपके पास, बिल्कुल सही है। चलिए तो 5 × 3 = 15, 5 × 5 ये हमारे पास आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है नो इशू, जो आया आया, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 0.06 एम्पियर। तो इस तरीके से आप अपनी करंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ये 0.06 एम्पियर आपका इस रेजिस्टेंस से भी जा रहा है और इस रेजिस्टेंस से भी पास होके जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम, बेटा बाकी तो देखो कोई मुश्किल नहीं है, बाकी तो सिंपल है, करंट पता लगने वाली बात होती है। देखिए सेकंड पार्ट के लिए मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसको IR करना है मुझे, तो इसमें से जो करंट है वो 0.06 जा रहा, राइट, तो I इंटू R, तो 0.06 इंटू 4, तो आ जाएगा आपके पास, दैट इज 0.24 वोल्ट। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा 0.24 वोल्ट, इसका आंसर आएगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बड़ा आसान है, देखिए पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, तो वी ड्रॉप जो होता है वो क्या होता है, करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो करंट तो है 0.06, इंटरनल 1 का है, तो आपका आ जाएगा 0.06 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, अक्रॉस द सेल का मतलब क्या होता है,
कि वी टर्मिनल निकालना है, तो दो तरीके हैं, या तो आई इंटू आर एक्सटर्नल कर दो, ये मैं ऑलरेडी पिछले एक न्यूमेरिकल में कर चुका हूँ। दूसरा तरीका क्या होता है, ई में से आई इंटू स्मॉल आर माइनस कर दो। तो मैं अब ये सेकेंड वाला पार्ट यहाँ पे यूज करूंगा। सो देखो बेटा, ई जो है 1.5 है, माइनस 0.06 इंटू आर मतलब 1, तो मतलब होगा 1.50 में से 0.06 मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे 4 आ गया, एक कैरी गया इधर की तरफ, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, ठीक है, एंड 1.44 वोल्ट आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है। आसान बहुत है, बट आपको समझना पड़ेगा कि हर स्टेप में हम क्या क्या कर रहे हैं। आई होप ये जो न्यूमेरिकल्स हैं अभी तक के लिए वो समझ में आ गए होंगे, ग्रेट। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने 4 मार्क्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे वो हमने डिस्कस कर लिया है, एंड आई होप आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।